हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय देम। रोहित और यशस्वी का एक बार फिर से तूफान आया और भैया वेस्ट इंडीज में जाकर इंडिया ने बैस बॉल का खेल दिखाया। जी हाँ, जिस प्रकार से इंग्लैंड ने एक नाम दिया टेस्ट क्रिकेट में, बैस बॉल के हम आएंगे और बॉल को उड़ाएंगे, बैस बॉल खेलेंगे, लगातार चौके छक्कों से रन बनाएंगे, उस प्रकार से ही कुछ खेल दिखाया यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने। नाम है यशस्वी जायसवाल, दूसरे छोर पर है कप्तान रोहित शर्मा। इन दोनों ने टीम के 31 ओवर तक के अगर हम देखेंगे स्कोर तक की, तो वहां पर 147 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी बिना कोई विकेट खोए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया का एक विकेट गिरता है 147 रन पर। लेकिन चलिए उसके बाद तो हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल जानते हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने कैसा कहर बरपाया है। जिस प्रकार से हमने पिछले मैच में देखा था, दोनों ने रन तो जरूर बनाए थे लेकिन बहुत ज्यादा गेंदें ली थी, करीब करीब 50-45 इस तरह का स्ट्राइक रेट था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जायसवाल ने 57 रन बनाए 74 गेंदों में, 9 चौके और एक छक्का लगाया है। वही रोहित शर्मा की अगर हम बात करेंगे तो रोहित शर्मा ने 80 रनों की पारी खेली है, 140 बॉल है और वहां पर उन्होंने 9 चौके 2 छक्के लगाए हैं। यानी ये दोनों ही खिलाड़ी छाए हैं जब से वेस्ट इंडीज आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो भैया तूफान लाए हैं। अब देखना पड़ेगा अगली इनिंग बची है टेस्ट क्रिकेट में, हालांकि देखना पड़ेगा क्या इंडिया की अगली इनिंग आती है नहीं आती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद क्या ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट जो खेला जाएगा, क्या वहां पर उस तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं रोहित शर्मा, क्या वहां पर छा सकते हैं जैसे ही आते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। मेरे निगाहें तो उस पर ही बनी है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप भी होने वाला है और ओडीआई में इससे जरूर इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच में, इससे अच्छा खेल दिखाती हुई नजर आएगी। वहां पर पूरे जैसे खिलाड़ी भी आएंगे, वहां पर टीम बदलेगी इनकी, तो वहां पर देखना दिलचस्प होगा क्या वहां पर रोहित शर्मा का ये खौफनाक रूप आएगा या फिर नहीं। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा वहां पर भी इस वेस्ट इंडीज को तोड़ने में कामयाब होंगे, फोड़ने में कामयाब होंगे या फिर कुछ उल्टा होता हुआ नजर आएगा? जल्दी जल्दी बताइए जो भी आपकी राय है कॉमेंट बॉक्स में।